बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पोल न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयद हफीज सब्जवारी। आज हम उतरोड़ के मुकाम पर धमाका झील पर मौजूद हैं। ये झील जो कि दूर दराज से आने वाले सैयाहों के लिए मुनफरद मकाम रखती है, यहां हम मौजूद हैं, झील के ऊपर मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यहां की समाजी शख्सियत मलक नसीम खान साहब, जो कि इस झील के बारे में बताएँगे। जी मलक साहब, तो झील ने ये शुरू से इधर झील ने ये था, तो 1998 में एक सैलाब आया, उसकी वजह से वो दरिया में गिर पड़े, वो पहाड़ के साथ टकरा, ये दरिया इस तरफ जम गए, तो इससे झील बन गए। बहुत प्यारे जिधर ज़बरदस्त लोकेशन था इस एरिया का, जो 2010 की जो सैलाब आया वो ऊपर से कंडोल झील के सेट से सैलाब आ गया, वो यहाँ से ये जो मलबा लेकर ये झील में झील के भराई हो चुके हैं। अभी जिस जगह पर हम बैठे हैं ये झील के बिल्कुल सेंटर है, तकरीबन इस जगह की अभी कम से कम 30 फुट तक इतनी भराई हो चुका है, बस वो झील 2010 के सैलाब ने खराब कर दिया। बहुत शुक्रिया। ये ज़रा दिखाएं जी, झील के मनाजिर हैं, ये नाजरीन देखें, धमाका झील पर मौजूद हैं और मनाजिर आपको दिखाए जा रहे हैं। ये बताएं मलक साहब, यहाँ पर कारोबार के क्या हालात हैं? कारोबार के अभी जो हालात हैं वो ना होने के बराबर है, क्योंकि हमारे रोड के हालात तो सर आपने देख चुके हैं। अल्लाह का शुक्र है, हमारा इतना खूबसूरत इलाका है, जन्नत से कम नहीं है। आगे कंडोल झील आते हैं, शाहीबाग आते हैं, खरखड़े झील आते हैं, तो लद्दू वैली, देसान वैली, ये सारे हमारे इस एरिया में आते हैं, मगर रोड न होने की वजह से इधर टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा कम आते हैं। जो 2010 के सैलाब से पहले जो इधर जो रश था, लोग आता था, उसी नस्बत से ये बिल्कुल ना होने के बराबर है। हुकूमत से भी हमारा ये दरख्वास्त है कि हमारे ये रोड पर थोड़ा तवज्जो दें, ताकि हमारे भी कारोबार बढ़ जाए। बहुत शुक्रिया, देखते रहिए पोल न्यूज़।